म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष। पड़ोसी देश से जान बचाने के लिए मिजोरम पहुंचे 5,000 से अधिक शरणार्थी। विश्व कप फाइनल देखने जाएंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी सीएम अडानी और अंबानी भी देखेंगे मैच। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून किया रद्द। ममता बनर्जी ने दिया कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला बयान। टीएमसी की मुखिया ने कहा बंगाल मस्ट लीड इंडिया। प्रैक्टिस जर्सी के भगवा रंग पर भड़की ममता बनर्जी। कहा भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व, लेकिन भगवाकरण का प्रयास करना ठीक नहीं। उद्धव ठाकरे गुट के 3 नेताओं पर हुई FIR। आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहिर के खिलाफ ढिलाई रोड ब्रिज उद्घाटन के मामले में दर्ज हुआ केस। राहुल गांधी का तेलंगाना के सीएम पर तंज। कहा जिस स्कूल में KCR पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया। 60 साल तक कांग्रेस ने क्या किया वाले सवाल पर दिया राहुल गांधी ने जवाब। उत्तरकाशी टनल हादसे में 6 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। रेस्क्यू मशीन की बेयरिंग हुई खराब। इंदौर से मंगाई गई 3री ड्रिल मशीन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। बोले भले ही मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को योगी सरकार ने दिया तोहफा। शमी के गांव में बनेगा मिनी स्टेडियम। अमरोहा के सहुस पर अलीनगर के रहने वाले हैं मोहम्मद शमी। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए TNP इंडिया।